कक्षा 12वीं के सारे बच्चों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बच्चों आप लोगों को ज्ञात होगा कि आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। यहाँ की आप देखेंगे कि आप प्रीबोर्ड परीक्षा, आप लोग की घर से ही आप लोग प्रीबोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं इतिहास का सॉल्यूशन मैं बच्चों आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। इस हेतु यदि बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपने नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करने पर आपको हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको चैनल पर विजिट करने पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतिहास का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझना और उसके बाद ही यहाँ पर आंसर देना। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न देखो। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि अलग अलग प्रकार के मार्केट में वीडियो भी चल रहे हैं, आंसर भी चल रहे हैं, तो आप पूर्णतः रूप से 100% संतुष्टि के बाद ही आप मुझे बताएं कि हाँ बिल्कुल आप लोगों को 100% रियल आंसर मेरे द्वारा प्रोवाइड करवा दिया गया है या नहीं। ठीक है, ये संतुष्टि बच्चों आप लोगों के होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को 100% रियल सॉल्यूशन हम हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन बैंक में सर्च करने के बाद ही आप लोग यहाँ पर आंसर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में मिले? तो सबसे पहले जो अभिलेख मिला है वो प्राकृत भाषा में मिला है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार था, तो वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार बच्चों यहाँ पर आपका आंसर जाति आंसर आप लोगों का इसमें आएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा यदि देखेंगे कि करेक काल या अमैयार किससे संबंधित थी, तो ये जो संबंधित थी बच्चों ये द ऑप्शन आप लोगों का नैयार से संबंधित थी। नैयार आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, यानी कि प्रश्न क्रमांक फोर, तो प्रश्न क्रमांक फोर का आंसर करेक्ट बन जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर द ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर आप लोगों को 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर की जो उपाधि वो वापस की थी वो बच्चों यहाँ पर की थी रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोगों का सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सा ऑप्शन आप राइट है। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो अगस्त प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था वो किया था लॉर्ड लिथियागो ने किया था, यानी कि आपका आ ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर आप लोग करना थी। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे, यानी कि मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को कहते हैं। तो मौर्य काल में जो बच्चों दान में जो दी गई थी भूमि उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ब्रह्मादे, उसे कहते हैं ब्रहदे, ब्रहया दे, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ब्राह्य दे। ठीक है, हा अदहा अदया और द पे एक ही मात्रा और या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुप्त शासकों का राज चिन्ह था? तो जो बच्चों गुप्त शासक थे ना उनका राज चिन्ह था गरुड़। क्या था? गरुण, गरुण, गरुण आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, गरुण। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देखेंगे, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना भारत में की थी? तो चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की थी भारत में, यानी कि तीसरे का जो आंसर यदि देखेंगे, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा आपका लोगों का, आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पर मौजूदीन चिश्ती आप लोग, सॉरी ता आएगा यहाँ पर मौजूदीन चिश्ती। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक फोर, प्रश्न क्रमांक फोर जो है, यानी कि जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज औजार तथा पशु खरीदने के लिए देता था उसे कहा जाता था, यानी कि उसको क्या कहते थे? उसे कहते थे यहाँ पर तकावी। क्या कहते हैं? तकावी, तकावी, तकावी कहेंगे उसे। अगला प्रश्न है, संस्थानों को बसने के लिए दिया गया भूभाग कहलाता था? तो क्या कहलाता? वो कहलाता था दामिन ए कोहो, दामिन, दामिन ए कोहो, दामिन ए कोहो आप लोगों का आंसर बन जाएगा। फिर पांचवी नंबर सिक्स का आंसर देखेंगे, यानी कि प्रश्न क्रमांक सिक्स का जो आंसर है वो पांचवी रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में को क्रियान्वित करना था, यानी कि इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका 13 दिसंबर 1600
1600 में आप लोगों का करेक्ट आंसर है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 7 यदि देखेंगे कि सर्वोदय योजना का प्रारंभ किया था तो किसने किया था, तो ये किया था विनोबा भावे। किसने किया था? विनोबा भावे आप लोगों का करेक्ट आंसर है, विनोबा भावे। आगे बढ़ जाते हैं, सही जोड़ी का ऑप्शन यहाँ पर बच्चों आप लोगों को मिला था, यानी कि सिद्धार्थ जो है, सिद्धार्थ किससे संबंधित, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। मलिक मोहम्मद जायसी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी, पद्मावत लिखा था मोहम्मद शौकत अली का। आंसर यदि देखते हैं तो ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित है। खाना अब्दुल गफ्फार कहाँ किससे संबंधित है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 तो ये है बच्चों खुदाई खिदमतगार। चाल किससे संबंधित है, तो चाल जो है वो है मुंबई में बहुमंजिला इमारतें होती हैं, और राइटर्स बिल्डिंग किससे संबंधित है, तो ये है आप लोगों का कलकत्ता में बनाया गया महल। आप लोगों को दिक्कत नहीं आए इसलिए मैं पीछे यहाँ पर नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आप लोग 100% रियल सॉल्यूशन लिखें और आप 80 में से 80 मार्क्स बच्चों यहाँ पर प्राप्त करें। यही हमारा लक्ष्य और यही हमारा उद्देश्य है। इस नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बच्चों यहाँ पर अपने को लिखना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक पहला है गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो वो आया था फायान। कौन सा आया था? फायान, ठीक है, ये पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न है वैदिक काल में प्रचलित चार आश्रमों के नाम लिखिए, तो चार आश्रमों के नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम, और उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये चार आश्रम आप लोगों के हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3, जैन मत में अस्थे का क्या अर्थ है, तो जैन मत में जो अस्थे का अर्थ है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी दूसरे की वस्तु का उसकी अनुमति के बिना ग्रहण ना करना, ये आप लोगों का आंसर है, ग्रहण ना करना, किसी दूसरे की वस्तु का उसकी अनुमति के बिना ग्रहण ना करना, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, अर्थात चोरी ना करना, ये भी आंसर अपन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक फोर यानी कि 16वीं-17वीं शताब्दी में कितने फीसदी लोग गांव में रहते थे, तो 85% यहाँ पर आंसर बन जाएगा आपका, 85% या 85%। कार्नवालिस कोड कब बना था, तो कार्नवालिस जो कोड बना था बच्चों यहाँ पर आप लोगों का, यानी कि 1793 ईस्वी में, ठीक है। अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का किला बनवाया था, तो अंग्रेजों ने फोर्ट जॉर्ज का जो किला बनाया था वो बनाया था मद्रास में, कहाँ बनाया था? मद्रास में। पुनः समझौता कब हुआ था, तो पुनः जो समझौता हुआ था वो हुआ था 14 सितंबर 1932। आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं सत्य और असत्य वाले प्रश्न। कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, यानी कि ये बिल्कुल सत्य है आप लोगों का, पहला जो प्रश्न है ये बिल्कुल आप लोगों का सत्य आंसर आएगा। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदार में पुत्रियों का हिस्सा होता था, तो ये बिल्कुल नहीं होता था, यानी कि दूसरा प्रश्न आप लोगों का असत्य है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, महावीर स्वामी ने चार आर्य सत्य सिद्धांत दिया था, तो बिल्कुल ये नहीं दिया था, यानी कि ये भी आप लोगों का असत्य है, ठीक है। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, कबीर ने गुरु चैतन्य महाप्रभु थे, तो बिल्कुल ये आप लोगों का बिल्कुल सत्य है, यानी कि नंबर 4 का एकदम सत्य बन जाएगा।
सत्य है ये। अगला प्रश्न देखेंगे, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था, तो भैया बिल्कुल ये भी सत्य है, इनके राइट आंसर है। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया, बिल्कुल यहाँ पर यदि प्रश्न की बात करते तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये आप लोगों का असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैंने आप लोगों को 5 प्रश्न के आंसर इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए, जो कि ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। लेकिन बच्चों यदि आपने बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के यदि पेपर नहीं देखे तो आप बाकी के हिंदी अंग्रेजी संस्कृत गणित सभी सब्जेक्ट के फुल सॉल्यूशन आपको 10वीं 12वीं के सभी सब्जेक्ट और 9 से लगाकर तो 12वीं तक के सारे क्योंकि अभी 9वीं 11वीं का तो प्रीबोर्ड हो नहीं रहा है, इस हेतु 10वीं और 12वीं के फुल सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर विजिट करने पर आपको मिल जाएगा। बट बच्चों आपको वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ निवेदन आपसे यही है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें लगे कि हमारे बच्चे हमारे जो चैनल्स हैं वीडियोस हैं उनसे बिल्कुल 100% संतुष्ट हैं, क्योंकि 100% यदि आप लोगों को रियल सॉल्यूशन यदि चाहिए तो बिल्कुल आप चैनल पर विजिट करें, चैनल को लाइक करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।